आपके सामने फिर उपस्थित हूं आज एक नई बात लेके। क्या है वो नई बात बच्चों? ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई नाटक या कोई पिक्चर देखते हैं तो वो हमें पूरी की पूरी याद हो जाती है, लेकिन जब हम कोई किताब पढ़ते हैं या कुछ याद करते हैं तो पढ़ा हुआ याद रहता ही नहीं है। पिक्चर तो पूरी की पूरी याद है, नाटक तो पूरी का पूरा याद है, उसका एक एक सीन याद है, लेकिन किताब का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता याद? उसका कारण जानने से पहले, उसका उत्तर आपको देने से पहले मैं आपको दूंगा एक छोटा सा उदाहरण। गुरु द्रोणाचार्य का नाम आप सभी ने सुना होगा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों की तीर अंदाजी शिक्षा को परखने का फैसला लिया। गुरु द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पे एक लकड़ी की चिड़िया बना के रख दी और उन्होंने अपने एक एक शिष्य को बुलाया और कहा कि तुम्हें इस पेड़ पर क्या नजर आ रहा है। उन्होंने पहले बता दिया था कि इस एक चिड़िया को भेदना है, तो उन्होंने देखा गुरुजी मुझे तो इस पे पेड़ नजर आ रहा है। दूसरे शिष्य को बुलाया, बोले तुमको क्या नजर आ रहा है? बोले गुरुजी मुझे सब पत्ते नजर आ रहे हैं, इस पे शाखाएं नजर आ रही हैं। तमाम तरह के बहुत से उत्तर उनको मिले, लेकिन जो उत्तर वो जानना चाहते थे वो उत्तर उनको न मिल सका। अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन से भी यही सवाल किया उन्होंने कि चिड़िया को भेदना है, इस पर तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो उन्होंने कहा गुरुजी मुझे चिड़िया नजर आ रही है। कि और कुछ नजर आ रहा है? कि नहीं, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा गुरुजी, मुझे कुछ भी दिखाई दे ही नहीं रहा, मुझे तो सिर्फ चिड़िया दिख रही है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अर्जुन की एकाग्रता थी, उन्हें सिर्फ चिड़िया को भेदना था, उन्हें सिर्फ चिड़िया नजर आ रही थी। एकाग्रता, जब हम किसी चीज को एकाग्रता से देखते हैं तो आसपास का कुछ नजर नहीं आता, हमें सिर्फ वही नजर आता है जहां हमारा लक्ष्य होता है। जब हम पिक्चर देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो हम एकाग्र मन होकर देखते हैं, इसलिए उसका एक एक सीन हमारे दिमाग में सेव होता जाता है, याद हो जाता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो एकाग्र होकर नहीं पढ़ते हैं, तमाम बातें याद आएंगी, तमाम विचार आएंगे कि कल की वहां शादी है, कल वहां शादी में जाना है, कल खेत में ये करना है, कल ये आता ये बात ये काम करना है, यानी बहुत सी बातें आपको पढ़ते टाइम भी याद आती हैं। इसलिए आपका मन एकाग्र न होने के कारण आपको कुछ भी याद नहीं रहता और कुछ भी याद नहीं होता। तो बच्चों आज हम जानते हैं ऐसे एकाग्रता बढ़ाने के कुछ बिंदु जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। मैं बताता हूं आपको पांच बिंदु ऐसे। पहला बिंदु है बच्चों कि जब हम पढ़ाई करें तो अच्छे और शांत माहौल का चुनाव करें, जहां कोई डिस्टरबेंस ना करे, आपको डिस्टरबेंस ना हो। दूसरा बिंदु है बच्चों कि होश रात को पढ़ाई करें, आप रात को जब पढ़ाई करें तो हो सके तो टेबल लैंप का प्रयोग करें, या टेबल लैंप नहीं है, लाइट को ऑफ कर दीजिए, मोमबत्ती का प्रयोग कर लीजिए, वो भी ठीक रहेगा। इससे क्या होगा कि उसका प्रकाश सिर्फ आपकी किताब पर रहेगा, जिससे आपका दिमाग सिर्फ किताब पर ध्यान रहेगा, आपका ध्यान भी किताब पर रहेगा, आपका दिमाग भी किताब पर रहेगा, इससे आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी। तीसरा बिंदु है बच्चों विचारों को नियंत्रित करिए, सकारात्मक विचारों को लाइए। कभी कभी हम पढ़ते रहते हैं और पढ़ते पढ़ते दिमाग में अचानक से आता है कि कल की तो दावत है, कल मुझे नानी के यहाँ रहना है, अरे परसों तो मामा की शादी है, अरे कल खेत में वो पानी लगना है, तमाम तरह की बातें याद आती है। मैंने पहले कहा था आपसे ऐसी बातें दिमाग में आती हैं, ऐसे विचारों को नियंत्रित कीजिए। और
ये तो कोई विचार दिमाग में आ भी गया है तो विचार वो चला भी जाएगा, जाएगा भी, और जब चला जाए तो पढ़ाई पर फिर से लग जाएगी। सकारात्मक सोचो, नकारात्मक विचारों को दिमाग में लाओ मत। चौथा बिंदु है बच्चों, आप पढ़ाई जब भी करें तो एक टाइम टेबल बना के करें कि कब मुझे हिंदी पढ़ना है, कब मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, कब मुझे विज्ञान पढ़ना है, कब मुझे गणित पढ़ना है। टाइम टेबल बना के करेंगे तो आपके पास सीमित समय बचेगा कि मुझे एक घंटा गणित पढ़ना है, मुझे विज्ञान के टाइम में से टाइम नहीं देना है, नहीं तो मेरा विज्ञान नहीं पढ़ पाऊंगा। जब आपका टाइम सीमित होगा तो आप एकाग्र होकर पढ़ेंगे कि मेरा एक घंटा उधर लॉस ना हो जाए, कम ना हो जाए उसमें। पांचवा बिंदु है बच्चों, ये सबके लिए है, योग करें। योग एकाग्रता बढ़ाने के लिए, योग का नाम बता रहा हूं आपको, वो योग का नाम है त्राटक योग, जिसका अर्थ होता है टकटकी लगा के देखना। इस योग को आप करेंगे तो आपकी एकाग्रता की शक्ति आपके अंदर बढ़ जाएगी। आपको सिर्फ कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ाई में पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई किताब ही नजर आएगी, उसके शब्द ही नजर आएंगे, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। और वो जब नजर नहीं आएगा तो वो सीधा डायरेक्ट हमारी परमानेंट मेमोरी पहुंच जाएगा। हमारे दिमाग को याददाश्त होती है परमानेंट मेमोरी, उसमें पहुंच जाएगा, उससे आप कभी फिर भूलेंगे नहीं। यानी आपको कुछ भी अच्छे से याद करना है, पढ़ना है और हमेशा याद रखना है तो सिर्फ आपको एकाग्र होकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप टीवी देखते हैं, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, जैसे आप नाटक देखते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, नो डिस्टर्बेंस। आप टीवी देखते टाइम क्या करते हैं, यदि कोई बीच में आ गया तो आपको कितना खराब लगता है ना, हाँ क्यों। क्रिकेट देखते हैं कितना ध्यान से पता रहता है कितने छक्के किसने मारे, कितने चौके किसने मारे, क्यों, क्या आप टक्कर के लगा के देख रहे हैं, आप ध्यान से देख रहे हैं, आप एकाग्र होकर देख रहे हैं। किसी ने आपसे कुछ मांग भी लिया उस टाइम तो आपको कितना बुरा लगता होगा, लगता है ना, हाँ। ऐसे ही आप पढ़ाई को एकाग्र होकर पढ़िए, एकाग्र होकर याद करिए, आपको गारंटी से याद हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मन की एकाग्रता ही समग्र शिक्षा का ज्ञान है, समग्र ज्ञान है, मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। तो प्यारे बच्चों, आप भी इन बिंदुओं को आजमाएं और अपनी एकाग्रता बढ़ाएं और पढ़ाई में अब्बलता पाएं, अब्बल बने। प्यारे बच्चों, आपको ये बातें बहुत अच्छी लगती होंगी और ये भी बहुत अच्छी लगी होंगी। बच्चों अपने साथियों को शेयर करें, अपने साथियों को बताएं, नई नई बातें अपने सर से भी जाने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।